हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। तो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ, वो है वैक्स की। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने घर में खुद से होममेड वैक्स कैसे बना सकते हो। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन में काफी सारे लोगों की जो वैक्स है वो खत्म हो गई है और काफी लोग परचेज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम वैक्स कैसे बना सकते हैं। हमें वैक्स बनाने के लिए ज्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए होगी शुगर यानी चीनी और दूसरी हमें चाहिए होगा लेमन यानी नींबू। हमें सिर्फ ये दोनों चीजें चाहिए और हमें बाहर का कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस इन दोनों चीजों से हमारी जैसी मार्केट वाली वैक्स होती है बिल्कुल उसी तरह से हमारी इन दोनों चीजों से वैक्स बन जाएगी। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमें वैक्स बनाने के लिए चाहिए होगा 1 कप पानी, आधा कटोरी चीनी और हमें चाहिए होंगे 2 नींबू। हम इन दोनों नींबुओं को काट लेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने ये नींबू काट लिए हैं। आप उसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, आपको जितनी वैक्स बनानी है। मुझे थोड़ी ही बनानी है। हम पहले गैस पर एक बाउल रख देंगे और उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और उसके बाद हम डाल देंगे चीनी, आधी कटोरी चीनी हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर लेमन जूस, जो हमने नींबू काटा था उसका हमें जूस इसके अंदर डालना है ये इस तरह से। और उसके बाद आपको इसे हल्की गैस पर हमें इसको रखना है, जब तक इसमें बबल नहीं आने लगेंगे हमें इसको इसी तरह घुमाना है। आप एक स्पून ले सकते हो और उसकी मदद से इसको इस तरह घुमाना है। ये देखिए, अभी हमारी चीनी बॉईल नहीं हुई है, हमें चीनी को अच्छे से बॉईल करना है, उसके बाद इसके अंदर बबल निकलेंगे। देखिए गाइस, हमने इसको थोड़ी देर गैस पर रखा है तो बबल आने लगे हैं। इसी तरह से हमें इसको चलाते रहना है और बबल आते रहेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हो नींबू के अंदर विटामिन सी और साइड्रिक एसिड होता है, जिसकी मदद से हमारी स्किन चमक जाती है। हम लोग नॉर्मली अपने फेस पर भी मसाज करते हैं नींबू से और हाथों पर भी मसाज करते हैं, तो इसलिए इसकी वैक्स भी काफ़ी अच्छी रहती है। हमारी स्किन को इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और चीनी से हमारी स्किन की झाइयाँ और कालापन जो हमारी स्किन में होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हम चीनी का स्क्रब भी करते हैं, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए चीनी और नींबू की वैक्स बहुत अच्छी रहेगी, घर में ही आप बना सकते हो और पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, घर में ही दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं इजीली। तो देखिए गाइस, इसमें बबल आने लगे हैं लेकिन अभी ये ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ है। जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं होता हम इसको इसी तरह हल्की गैस पर इसी तरह चलाते रहेंगे स्पून से। ये देखिए गाइस, हमारी वैक्स तैयार हो चुकी है, इसके अंदर बबल्स भी आ रहे हैं और हमारी वैक्स ब्राउन भी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए हमारी वैक्स रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें वैक्स को चेक किस तरह करना है कि हमारी वैक्स बन चुकी है या नहीं। हम थोड़ी सी वैक्स लेंगे स्पून में, हल्की सी हमें वैक्स लेनी है सिर्फ चेक करने के लिए। और फिर हमें 1 कटोरी में पानी लेकर इसके अंदर ये वैक्स इस तरह डालनी है। ये देखिए, अगर ये वैक्स मिक्स हो जाएगी पानी में तो इसका मतलब वैक्स नहीं बनी है। और ये वैक्स इस तरह से हम वैक्स को इस तरह अपनी फिंगर्स के ऊपर उठा लेंगे, इसका मतलब है कि हमारी वैक्स बन गई है। ये देखिए हमारी वैक्स रेडी हो चुकी है। और अब मैं आपको इसे हैंड पर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि ये वैक्स बिल्कुल रेडीमेड वैक्स की तरह ही बनी है। ये देखिए, हम पहले इसको हैंड पर इस तरह अप्लाई कर लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक वैक्स वाला नाइफ़, ये मेरे पास वैक्स वाला नाइफ़ है। हम वैक्स को ज़्यादा गर्म भी नहीं करेंगे और ज़्यादा ठंडी भी नहीं रखेंगे, हमें वैक्स ये वाली नॉर्मल ही रखनी है और इस तरह अपने हैंड पर अप्लाई करनी है। उसके बाद आप एक ले सकते हो वैक्स स्ट्रिप और उसके बाद आप इसको
ऐसे करके देख सकते हो कि आपकी वैक्स रेडी है या नहीं। देखिए हमारी वैक्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बिल्कुल रेडीमेड, जैसी हम बाज़ार से वैक्स लाते हैं बिल्कुल उसी तरह की है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, बिल्कुल सेम ही है ये। ये देखिए हमारे सारे बाल निकल चुके हैं हैंड के। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।